अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रकनी के बिल्कुल साथ। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, ये लाहौर से पैदल सफ़र कर रहे हैं और लाहौर से मक्का मदीना हज पर जा रहे हैं। भाई जी जी जी, मक्का मदीना जा रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं। सर, कब आप लाहौर से किस तारीख को रवाना हुए हैं अभी? अस्सलाम वालेकुम, आपके मीडिया चैनल के थ्रू मैं अपने मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। मैं 19 अगस्त 2022 को लाहौर में हमूल बुकी से चल रहा हूँ और मेरा ये सफ़र शुरू हुआ यहाँ से जाते कोटे, ताफ्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदीया। ये टोटल जो फासला ये 5500 किलोमीटर है और मैं दिल्ली का 25 से 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चल रहा हूँ। जी, अभी मतलब अब 22 कितने आज एक माह हो गया, एक माह हो गया जी जी, लाहौर से यहाँ तक, यहाँ तक दक्कनी से आगे। अभी मतलब तकरीबन आपको कितना टाइम आगे, मतलब कितना? ये तकरीबन 250 या 260 दिन का सफर है, 260 तकरीबन एक साल के लगभग। जी जी, और मैंने आपके मीडिया चैनल के थ्रू पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं एक दीन इस्लाम का सफीर बन के निकला हूँ, जो तौहीन रिसालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो भी बातें करते हैं, झूठी मकार लोग जो हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले दुनिया में आज भी जिंदा हैं और पविंदा हैं और निकलेंगे। मोहम्मद कामरान साहब, मोहम्मद कामरान बेग साहब, पैदल सफर आज। अच्छा, हमारे साथ वडेरा नजीर एनडीपी के सदर भी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ये भाई के लिए आप क्या कहेंगे। वडेरा साहब, आप क्या? भाई की बड़ी मेहरबानी है, बहुत हिम्मत किया है भाई साहब ने, बहुत जरूरत का मुजहरा किया है। पैदल लाहौर से जाना मक्के मदीने तक बहुत बड़ी बात है, मैं इसकी जरूरत को सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला इसको खैर खैरियत से ले भी जाए, ले वापस भी आए। कामरान साहब, सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह आसान करे आपका सफर, अल्लाह ताला आसान करे। आमीन आमीन।